हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। और आज हम हमारा जो लेसन चल रहा था पार्ट 3, जिसका नाम था शब्द विचार, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। मैं क्वेश्चन आंसर आपको सिर्फ समझा रही हूँ, और आपको लिखने के लिए इस क्वेश्चन आंसर की जो है मेरे आपके लिखी हुई पीडीएफ फाइल जो आपको मिल जाएगी। और आप जिस बच्चे ने भी पहले छुट्टियों से पहले ये चैप्टर हो चुका था, जिस बच्चे ने फेयर नोटबुक में पहले ये क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं, वो प्लीज दोबारा से ना लिखें, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखे हुए वो बच्चे लिखेंगे सिर्फ, ठीक है। चलिए, हमारे क्वेश्चन है पहला, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अब आपको मैंने जब चैप्टर समझाया था, जब बताया था शब्द किसे कहते हैं, कि वर्णों का व्यवस्थित समूह जो है शब्द कहलाता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। लेकिन इसका आंसर आप क्या लिखोगे, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब इसमें वर्ण समूह कैसे बनाओगे, आप एक सेंटेंस लिखोगे, उसी को तो हम क्या कहते हैं, वर्ण किसका, ठीक है बेटा। आप क्या लिखोगे, एक शब्द लिखोगे, वर्णों का समूह क्या होता है, शब्द होते हैं ना, तो दो तीन उदाहरण के लिए शब्द लिख दोगे, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, शब्द के भेद किन आधारों पर किए जाते हैं। मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन आंसर समझाए थे, जब आपको बताया था कि शब्दों के भेद जो है चार आधारों पर किए जाते हैं। मैंने आपको डायग्राम भी बना के दिखाया था, कितने आधारों पर किए जाते हैं, चार आधारों पर। कौन कौन से, पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है आपका रचना के आधार पर, तीसरा है आपका प्रयोग के आधार पर, और चौथा है आपका अर्थ के आधार पर। तो इसका आंसर क्या होगा, कि शब्द के चार आधारों पर भेद किए जाते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर बताइए। मैंने आपको बताया था कि ये किसके आधार पर है, प्रयोग के आधार पर, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग वचन काल का प्रभाव पड़ता है, यानी कि इनके प्रभाव से जो बदल जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चार तरह के जो शब्द होते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन से होते हैं, वे शब्द जिन पर लिंग वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनके प्रभाव से ये परिवर्तित नहीं होते, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कौन कौन से होते हैं अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक। आपके एक सिलेबस में दिया हुआ नहीं है, निपात जो होते हैं ना, भी, तो, ही, ये जो होते हैं ये निपात होते हैं, ये भी हमारे अविकारी शब्द में आते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में अभी ये दिया हुआ नहीं है, तो आप विस्मयादि बोधक चार तरह के शब्द ही अविकारी शब्दों में शामिल कर सकते हो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन, रचना के आधार पर शब्दों के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इन तीनों की डेफिनेशन उदाहरण के साथ में लिखनी है। देखिए, रूढ़ शब्द, जो शब्द अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जिनके टुकड़े नहीं हो सकते, ठीक है बेटा, वो ही होते हैं रूढ़ शब्द। जैसे घोड़ा, बिल्ली, बहुत सारे शब्द हैं जिनके अगर हम टुकड़े करें तो उनका कोई अर्थ नहीं होता, तो वो रूढ़ शब्द होते हैं। यौगिक शब्द, यौगिक, ठीक है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, जैसे विद्या प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, नमकीन, अनपढ़, ये सारे क्या हैं, यौगिक शब्द। योगरूढ़ शब्द, अब योगरूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ और यौगिक दोनों की विशेषता लिए होते हैं। तो इसकी देखिए क्या होते हैं योगरूढ़ शब्द, वे यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है, यौगिक शब्द भी है और अर्थ भी रूढ़ हो गया है, तो दोनों की विशेषता ले रखी है, हो गया हो, तथा वे व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पंकज, लंबोदर इत्यादि। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, युग्म शब्द किसे कहते हैं, युग्म शब्द जिसका जोड़ा होता है उन्हें बोलते हैं युग्म शब्द। तो देखिए आंसर, जिन शब्दों का जोड़े में प्रयोग किया जाता है उन्हें युग्म शब्द कहते हैं, जैसे खड़े खड़े, दाल रोटी, सच झूठ आदि। जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिए खड़े खड़े, तो ये युग्म शब्द कैसा है, इसमें पुनरावृत्ति हुई है, खड़े खड़े एक शब्द को दोहराया गया है, तो ये पुनरावृत्ति युग्म शब्द है। दाल रोटी, ये कैसा है,
जुड़ा हुआ शब्द, दाल और रोटी, ठीक है। और अगला आता है सच और झूठ, ये क्या है, विलोम शब्द का जोड़ा है। तो इस तरह से तीन प्रकार होते हैं इस युग्म शब्द के, पुनरावृत्ति और अलग अलग तरह के, जैसे दाल और रोटी दो अलग चीज हो गई, और सच और झूठ विलोम शब्द का जोड़ा। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर थे 5, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने और याद करने। मैंने आपको पहले भी बताया बेटा, जिन्होंने पहले छुट्टियों से पहले ये क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं प्लीज वो इनको दोबारा से ना लिखें, ठीक है बेटा। अगले क्लास में हम अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।